कुछ गधी सवार लोगों के वंशज, मुर्गी चोर, सुअर चोर, ऊंट का मूत्र पीने वाले हिंदुओं को जलील करने के लिए हमेशा एक बात कहते रहते कि अल्लाह ने देखो मुसलमानों को तेल दिया बहुत सारा, हिंदुओं के भगवानों ने क्या दिया, क्या दिया बाद में बताऊंगा, पहले जो आपको दिया उसकी समीक्षा तो हो जाए। आप कह रहे तेल दिया आप अमीर हो गए। मोहम्मद जब नंगा घूमता था तब ये तेल कहाँ चला गया था, समझ में ही नहीं आ रहा तब ये तेल था नहीं था, था तो इसका प्रयोग कोई क्यों नहीं था, नंगा घूमता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक हिंदू साहिब को किसी मुसलमान ने कह दिया कि हमारे अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है, देखो हमारे अरबों के पास कितना तेल है, और तुम्हें तुम्हारे भगवानों ने हिंदुओं को क्या दिया है। इस बात पर उस हिंदू को बड़ा गुस्सा आया, उसने उसको जवाब दिया और इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काफ़ी ज़्यादा इतराज़ात कर दिए। हिंदू का नाम है राहुल आर्या। थैंक्स भारत चैनल पर उसके अक्सर बयानात दीन इस्लाम के मुखालिफ है। हम इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन उसकी वीडियोज़ का जायज़ा लेते रहेंगे। आप हमारी इन वीडियोस को मुकम्मल देखें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मुसलमान ने कह दिया, उस पर एतराज़ कर दिया। वो कहता है कि मुसलमान अक्सर हमें हिंदुओं को जलील करने के लिए ये कहते रहते हैं, और उसने अपनी गुफ्तगू शुरू की इंतहाई घटिया जुमलों के साथ। उसने बात यहाँ से शुरू की कि कुछ गधी सवार, मुर्गी चोर, सुअर चोर, ऊंट का मूत्र पीने वाले वगैरह बहुत सी बातें करके उसने अपनी गुफ्तगू को शुरू किया, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस शख्स की ज़हनी पस्ती की कितनी बड़ी ये अलामत है। दलाइल से बात शुरू करने की बजाय औरतों की तरह ताना जनी शुरू कर दी। जब पास दलाइल ही नहीं होंगे तो ताने नहीं देंगे तो और क्या करेंगे। बहरहाल, अगर किसी मुसलमान ने यह कह दिया है कि हमारे पास तेल है, फलां फलां है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो हम कहते हैं उस मुसलमान की बात गलत है। असल बात सुनो, हमारी मुसलमानों की जो तुम हिंदुओं पर और बाकी सारे काफिरों पर फजीलत है, वो पता किस बात की है। हम इस कायनात को बनाने वाले को जानते हैं, तुम नहीं जानते। हम रब्बे कायनात को मानते हैं, तुम नहीं मानते। हम अल्लाह के महबूब बंदे पैगंबरों को मानते हैं, तुम नहीं मानते। और हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, उनके उम्मती हैं। हमें इस बात पर फख्र है, हमें तेल पर और या किसी दूसरी मादी चीज़ पर फख्र नहीं है, वो एक अलग मादी चीज़ें हैं। हमारा फख्र ये है कि हम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और ये भी याद रखो, मुसलमान काफिरों से कितना ज़्यादा कीमती है, सुनो। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है, जिस दिन इस धरती पर एक शख्स भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला न रहेगा, उस दिन कयामत बरपा हो जाएगी, इस धरती को ख़त्म कर दिया जाएगा। मुसलमान इस कायनात का दुल्हा है, मुसलमान की वजह से अल्लाह ने इसको बाकी रखा है। और जिस दिन कोई एक शख्स भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला न रहेगा, इस ज़मीन को, इस कायनात को, इस धरती को ख़त्म कर दिया जाएगा और क़यामत बरपा कर दी जाएगी। ये है हमारे फ़ख्र की चीज़ें। इस पर हमें क्यों फ़ख्र है? हमारा अकीदा है, जो कि सच्चा अकीदा है, मरने के बाद हिसाब होगा और वहाँ पर बुनियाद
इस बात पर होगी कि तुम अल्लाह और उसके रसूल को मानते हो या नहीं। अल्लाह रसूल को मानने वाला अल्लाह के मेहमान खाने जन्नत में जाएगा, अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करने वाला अल्लाह के कैद खाने जहन्नम में जाएगा। हमें इस बात पर खुशी है और हमें इस बात पर फख्र है और हमारी ये तमन्ना है कि हमारे सारे काफिर भाई भी इस्लाम कबूल करके क़यामत के दिन हमारे साथ जन्नत में जाएं। ये हमारे फख्र की चीज़ें हैं, इसलिए इस बात को लेकर तुम्हें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि असल जो हमारी फजीलत की चीज़ें हैं जो चंद बतलाई हैं इनको बुनियाद बनाकर आप जवाब दो, तुम्हारे पास क्या कौन सी ऐसी चीज़ है रूहानी तौर पर जो हमारे पास नहीं है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात याद रखो, तुमने कहा कि हिंदुस्तान में गंगा है, जमुना है, सतलुज है, पानी है, बागात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वहाँ पर एक तेल है, तेल के बारे में तुमने काफ़ी बातें की हैं, हमें उसके जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले हमने बतला दिया, वो हमारी बुनियाद ही नहीं है। जो चीज़ें अरबों के पास हैं, जो चीज़ें हिंदुओं के पास हैं या दुनिया के किसी भी काफिर के पास हैं या मुसलमान के पास हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ने दी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, हम मुसलमान जब चीज़ मिलती है अल्लाह का शुक्र करते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने नए कपड़े दिए, पीने के लिए पानी दिया, खाने के लिए खाना दिया, मुझे घर दिया या कोई भी चीज़ दी, और तुम क्या करते हो जब अल्लाह नई चीज़ देता है तुम उसकी निस्बत अपने भगवानों की तरफ करते हो, अपने जाली खुदाओं की तरफ करते हो, और तुम्हारे इस निस्बत के बदलने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। तुम्हें चीज़ दे तुम्हारा बाप, साइकिल लेकर दे, मोटरसाइकिल लेकर दे, गाड़ी लेकर दे, और तुमसे कोई पूछे ये किसने लेकर दी, तो आप कहें जी वो जो फलां बंदा है ना हमारी गली का, उसने लेकर दी है। और तुम्हारे बाप को ये बात पता चल जाए कि गाड़ी तो इसको मैंने दी, घड़ी इसको मैंने लेकर दी, फलां चीज़ मैंने दी, और पूछने पर यह पता नहीं किस गैर का नाम ले रहा, बाप को कितना गुस्सा आएगा। और तुम्हारे कहने से हकीकत तब्दील नहीं होगी, वो चीज़ तुम्हें तुम्हारे बाप ने ही दी है, तुम जिस तरह मर्जी झूठ बोलते रहो। बिल्कुल इसी तरह ये सारी की सारी चीज़ें, ये गंगा हो, जमुना हो, सतलुज हो, रावी हो, कुछ भी हो, ये दरिया पहाड़, ये नदियाँ नाले, ये सारी नेमतें अल्लाह की अता करता है, मुसलमानों को भी काफिरों को भी, बल्कि अल्लाह ने काफिरों को मुसलमानों से ज़्यादा दी हैं। उनका सारा कुछ दुनिया में और हमारा कुछ दुनिया में, बाकी सारा आखिरत में। इसलिए सारी चीज़ें अल्लाह ने दी हैं, भगवान शिकवान किसी ने कुछ नहीं दिया। अगली बात, तुमने ये इतराज़ किया कि मोहम्मद जब नंगा घूमता था तब ये तेल कहाँ चला गया था। अस्तग़फिरुल्लाह। पहला जुमला, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने कहा नंगे फिरते थे, इसके दो मतलब हैं, दो मतलब बन सकते हैं। एक मतलब ये कि आप पर गुर्बत थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे वगैरह। अगर तुम्हारा एतराज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़क्र पर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंगदस्ती पर है, तो इसका जवाब सुनो। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़क्र, आपकी तंगदस्ती, आपके पास माल का थोड़ा होना, यह कोई ऐब नहीं है। क्योंकि गुर्बत की दो किस्में हैं, एक होती है इख्तियारी और एक होती है इज्तिरारी, दोनों का फ़र्क समझो। दुनिया में बहुत सारे गरीब लोग हैं, अगर इनमें से किसी को आप सोना दो, चांदी दो, पैसे दो, वो फ़ौरन रख लेगा, कोई भी ये नहीं कहेगा कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो फ़ौरन ले लेगा। यानी हर बंदे की ख्वाहिश है मैं अमीर से अमीर तर हो जाऊँ, मेरे पास माल ज़्यादा आ जाए। अब इनके पास लेकिन है नहीं, ये क्यों? तकदीरी तौर पर, कुदरती तौर पर इनकी गुर्बत, इनका फ़क्र, तंगदस्ती इज्तिरारी है, इख्तियारी नहीं है। ये नहीं कि इनको दिया गया था इन्होंने छोड़ दिया, ना, इनको मिला ही नहीं। और जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंगदस्ती है बज़ाहर,
हकीकत नहीं, अभी मैं आपको बतलाता हूँ बज़ाहिर वो क्यों है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजजी इनकिसारी सादगी वाली ज़िंदगी को इख्तियार फरमाया, वरना गरीब बंदा आसमानों की सैर कर सकता है, अरशे मौला का निज़ारा कर सकता है, जन्नत का दीदार कर सकता है और जहन्नम के अहवाल का मुशाहदा कर सकता है। इतना लंबा सफ़र बंदे के पास तो था ही कुछ नहीं, जिसके पास पैसा ना वो सफ़र कैसे करेगा, इतनी अजीम सवारी पर इतना अजीम सफ़र। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कुछ था। और सुनो, एक शख्स मुसलमान हुआ, गरीब था, दो पहाड़ों के दरमियान बकरियां खड़ी थी, पता नहीं कितने सौ बकरियां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तोहफे में दे दी थी। उस बंदे को यकीन नहीं आ रहा था, अपने कबीले ख़ानदान में जाकर कहने लगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े सगी हैं, इतना देते हैं कि बंदे को गुर्बत का खौफ नहीं रहता। अगर आप थे गरीब, कुछ नहीं था पास, तो लोगों कहाँ से देते थे, अपने लिए सादगी इख्तियार करते थे, औरों को देने के लिए आपके पास बहुत कुछ था, खुला हाथ था, सखी थे। एक रात आपको नींद नहीं आ रही, आपकी बीवी आयशा ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या मसला है, कोई बीमारी तकलीफ? फरमाया, नहीं, मेरे पास चांदी का टुकड़ा बच गया, चांदी आई थी मैंने लोगों को तकसीम कर दी, एक टुकड़ा बच गया, मुझे डर है कि मेरे पास हो और मैं दुनिया से इंतकाल ना कर जाऊं। वो कुछ भी अपने पास नहीं रखना चाहते थे, आपकी ख्वाहिश थी क्या कि जो कुछ मेरे पास आए मैं गरीबों को तकसीम कर दूं, आपको इसी से खुशी होती थी। तो आपका फ़कर, आपकी तंगदस्ती इख्तियारी थी, आपको मिला। रब्बे कायनात ने फरमाया, अगर आप हुक्म दें तो इन पहाड़ों को आपके लिए सोने का बना दिया जाए, फरमाया नहीं। हमारे नबी चाहते, अल्लाह जन्नत से खाने बेच सकता था, अल्लाह जन्नत से कपड़े बेच सकता था, नहीं बेचे अल्लाह ने। क्यों? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकाज़ा ही नहीं किया, आपने सादगी वाली ज़िंदगी बसर करके बतलाया। क्यों? अक्सर लोग तो बेचारे गरीब होते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी गरीब के लिए भी नमूना बन सके, वरना कोई ये ना कह दे वो तो इसलिए ज़िंदगी कामयाब गुजार गए, उनके पास तो माल बहुत था, सोना बहुत था, चांदी बहुत थी, आपने कम पैसों के साथ, थोड़े माल के साथ गुजारा करके बतला दिया। इतना थोड़ा माल होने के बावजूद भी रब को राज़ी करना बिल्कुल आसान और मुमकिन है। और दूसरी बात सुनो, तुम कहते हो एक बात, एक ये मतलब हो सकता है, दूसरा मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े छोटे पहनते थे या माअल्लाह कपड़े नहीं पहनते थे, अल्लाह माफ़ फरमाए, ये बात गलत है बिल्कुल। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आपके सहाबा बतलाते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कमवारी लड़की से भी ज़्यादा हया था, आप तो शर्मो हया के पैकर थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी ने पूरी दुनिया के लोगों को हया सिखाया है, शर्मो हया सिखाई है। आपने क्या फरमाया, अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया शर्मो हया ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है और आप इसका बहुत अजीब नमूना थे, नज़रों को झुका के चलते थे। आपकी सीरत को पढ़ो, अगर ये तुम मतलब लो ये भी गलत है। तुमने कहा नंगे घूमते थे, अगर मतलब ये है गुर्बत थी, उसका जवाब दे दिया, अगर ये मुराद है तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा झूठ है। तभी तुमने कहा जब मोहम्मद तंगदस्त था, अगर ये मतलब ले लिया जाए तो तेल कहाँ था, बताते हैं हम आपको। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे इलाके में मबूस फरमाया जिसमें ज़ाहरी तौर पर चीज़ें बहुत थोड़ी थी, अल्लाह ताला ने ये चीज़ें बहुत कम दी। जैसे मैंने बताया, क्यों? अगर हमारे नबी के पास बहुत सोना होता, बड़ी चांदी होती, उस ज़माने में तेल निकल आता, बड़ी बड़ी इमारतें बन जाती, बड़ी वहाँ पर सनतें जारी हो जाती, तो तुम जैसों ने पता क्या इतराज़ करना था, लोग इसलिए मुसलमान हो रहे हैं कि वहाँ पर तेल बहुत है, लोग इसलिए इस्लाम में आ रहे हैं वहाँ पर सोना चांदी बहुत है। तुम्हारे जेन में बात आनी थी कि लोग इस्लाम की सच्चाई की वजह से नहीं बल्कि इन चीज़ों के लालच में मुसलमान हो रहे हैं। अल्लाह ने तो दिया ही कुछ नहीं, 13 साल कितनी गुर्बत और फ़कर के दिन थे, कितनी मारे थी,
कितनी मुसीबतें थी, फिर भी वो लोग दीन पर कायम रहे। और मदीना मुनव्वरा में भी ऐसे, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु दूसरे खलीफा, उनके ज़माने में जाकर कई बड़े बड़े इलाके फतह हुए। इसलिए अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को ज़ाहिर नहीं फरमाया।